यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 30 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय कर्तव्य पालन में स्वतंत्रता। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कर्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव जीवन है, अतः कर्तव्य पालन में प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक अवस्था तथा परिस्थिति में सर्वदा स्वाधीन है, कारण कि कर्तव्य उसे नहीं कह सकते जिसके करने में साधक असमर्थ हो, क्योंकि किसी को वह नहीं करना है जिसे वह नहीं कर सकता। जैसे नेत्र को सही देखना है, सुनना नहीं, और श्रवण को ठीक सुनना है, देखना नहीं इत्यादि। अर्थात जिसका जो कर्तव्य है उसे वही करना है, और उसके करने से ही कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कर्तव्य पालन का प्रश्न ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होता है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक न पहुंचा सके वह हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता। कर्तव्य का निर्णय सत्संग के द्वारा ही संभव है और किसी प्रकार नहीं। वह सत्संग 4 भागों में विभाजित है। 1, निज विवेक के प्रकाश में अपने जाने हुए असत को त्याग सत में प्रतिष्ठित होना ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। यह नियम है कि असत का त्याग करते ही सत का संग स्वतः हो जाता है। असत को असत जान लेने पर असत के त्याग का बल आ जाता है। 2, सत्पुरुषों के प्रकाश में बैठकर अपने असत को अतत जानकर उसका त्याग कर सत का संग प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई कहे कि सत्पुरुष कौन है तो कहना होगा कि जिनमें अपनी बुद्धि से किसी दोष के दर्शन न हो और स्वाभाविक श्रद्धा जागृत हो, अपने लिए वही सत्पुरुष है। 3, सद ग्रंथों के प्रकाश में अपने असत को देखना और उसका त्याग करना भी सत्संग है। 4, परस्पर स्नेह तथा सद्भावना के साथ विचार विनिमय
द्वारा अपने असत को जानना और उसका त्याग कर सत में परायण होना भी सत्संग है। कर्तव्य का निर्णय होने पर अपने कर्तव्य के प्रति निसंदेहता, विश्वास तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न होती है। यह नियम है कि जिस कर्तव्य में निसंदेहता, विश्वास तथा प्रियता हो जाती है, वह स्वतः होने लगता है, अर्थात उसके पालन में न तो कोई कठिनाई होती है और न अरुचि। यदि अरुचि तथा असमर्थता प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि हम अपनी योग्यता अनुसार कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाए हैं, अर्थात कर्तव्य के निर्णय में कोई दोष है। कर्तव्य परायण न होने में अपने से भिन्न किसी अन्य को दोषी मान लेना तथा बाधक समझना अपना ही प्रमाद है। इतना ही नहीं, प्राप्त परिस्थिति को कर्तव्य पालन न करने में हेतु मान लेना भी अपनी ही असावधानी है। कारण कि प्रत्येक परिस्थिति में साधक कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है, परिस्थिति भेद से कर्तव्य में भेद हो सकता है, किंतु हम कर्तव्य परायण नहीं हो सकते। यह मानना भूल ही है, वास्तविकता नहीं। समस्त कर्तव्य तीन भागों में विभाजित हो सकते हैं। एक, समाज के अधिकार की रक्षा। दो, तत्व जिज्ञासा की पूर्ति। और तीन, परम प्रेम की प्राप्ति। समाज के अधिकारों की रक्षा करने से साधक समाज के ऋण से मुक्त हो जाता है और सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाता है। तत्व जिज्ञासा की पूर्ति से भोग इच्छाओं की निवृत्ति भी होती है और अमृतत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। अथवा यूं कहो कि वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त होती है जो मानव मात्र को प्रिय है। परम प्रेम की प्राप्ति से नित नव रस तथा दिव्य चिन्मय आनंद से अभिन्नता हो जाती है जो सभी को अभीष्ट है।